नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज के साथ हमारा संबंध, उनकी दिशा, उपयोग और लाभ कैसा होना चाहिए इससे हमें अवगत कराता है। हमारे आम जीवन में उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हो जिससे हमारे सफलता में रुकावट आ रही हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोते समय ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास अपने सिरहाने आपको नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित हो जाता है। उस अवस्था में हमारे शरीर के पंचतंत्र हमारे लिए काम करते हैं। उस वक्त अगर आपके सिरहाने में या आपके करीब कुछ ऐसी चीजें हो जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर और आपके जीवन दोनों पर असर डाल सकती है। आज हम आपको यहाँ बताएंगे कि कौन सी चीजें सोते वक्त आपको अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी नींद और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी चीजें सिरहाने आपको रखनी चाहिए सोते समय। अगर आपको नींद आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो ये उपाय आपके लिए है। कपूर के कुछ टुकड़े एक रुमाल में अपने पास रख लीजिए। हो सके तो इसकी खुशबू को सूंघते रहिए। कपूर को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। इससे मस्तिष्क शांत हो जाता है। सोते वक्त बुरे ख्याल या बुरे सपने ज्यादा नहीं आते। हो सकता है कि आप पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ा हो और इस वजह से आपको नींद ना आती हो। इससे बचने के लिए साबुत चावल के दाने यानी चावल के ऐसे दाने जो कि कहीं से भी टूटे हुए ना हो, एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप सोते हैं वहां अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक होते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ पाएगी। कमरे में शुद्धता का वातावरण होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए अपने कमरे में कहीं भी बिस्तर के पास आप एक मोर पंख लगा लीजिए। इससे सकारात्मक विचारों का आगमन होना शुरू हो जाता है जिससे बुरी और नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती। तो ये तो थी कुछ चीजें जो आप अपने सिरहाने के पास रखकर सोइए। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने बिस्तर के पास या सिरहाने के पास सोते समय नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज है मैले कपड़े। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात को कपड़े बदलने के बाद अपने मैले कपड़े अपने सिरहाने या बिस्तर के पास ही छोड़ देते हैं। मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए तो कभी भी पूजा में या शुभ कार्य में पुराने या मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपने बिस्तर के पास भी कभी भी मैले कपड़े ना रखें। दूसरी चीज है जूते, चप्पल, जुराबे, रुमाल और आजकल तो हम सभी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा हर कोई इन सभी चीजों का इस्तेमाल करता रहता है। इनका इस्तेमाल अपने पूरे दिन के कार्य के वक्त करिए, लेकिन रात को सोते समय इन चीजों को खुद से और अपने बिस्तर से दूर रखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इन चीजों से वास्तु दोष भी लग सकता है। जूते चप्पल कितनी जगह से अलग अलग तरह की ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं, इसी कारण इन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है नमक, हल्दी, कुमकुम तेल और सूखे तुलसी के पत्ते। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने सिरहाने अगर रखकर सोएंगे तो आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये चीजें नजर उतारने और पूजा विधि में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन रात के वक्त इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना गया है, इसलिए कृपया ध्यान रखें इनमें से कोई भी चीज रात को सोते समय आप अपने पास ना रखें। और एक चीज का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते संध्या काल के बाद कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको तुलसी के पत्ते चाहिए तो सुबह तोड़ करके आप एक डिब्बे में रख लीजिए और बिस्तर या अपने बेडरूम में इन पत्तों को नहीं रखना चाहिए, ना ही उपयोग करना चाहिए। इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। आप तुलसी के पत्तों को अपने रसोई घर में या पूजा घर में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग रात के समय किताबें पढ़कर सोने की आदत रखते हैं और सोते सोते किताबें वहीं बिस्तर पर छोड़ देते हैं। कई सारे विद्यार्थी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अपने बिस्तर पर कभी भी आपको पुस्तकें नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, विद्या माँ सरस्वती की देन है, इनमें माँ का वास होता है। बिस्तर पर इन्हें रखने से सोते समय कभी भी ये नीचे गिर सकती है, हमारा पैर लग सकता है, जिससे माँ सरस्वती का अपमान हो सकता है। तो कृपया इन चीजों का खास ध्यान रखें।
तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो सोते समय आपको अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।